हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग। सो आज है संडे और मैं अभी इस टाइम कुछ 5:20 टाइम हो रहा है और मैंने अपना कैमरा उठा लिया है। सो लाइक आई से कि मुझे कुछ करने को चाहिए होता है हमेशा, तो क्या करूं क्या नहीं करूं उस चक्कर में मैं कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ। सो आई वॉज ट्राइंग दिस स्टफ, तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी ऑनलाइन। बाय द वे मैंने कुछ और भी मंगाया है, ये अगरबत्ती स्टैंड है। इसमें अगर आप अगरबत्ती, तो इट्स अ वेरी गुड वे। अक्सर क्या होता है ना कि जब आप अगरबत्ती जला रहे होते हो तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर गिर जाता है, तो इसके अंदर ये स्टैंड है जिसके अंदर आप लाइक अंदर ही इसके जलाओ और स्प्रेड होगी। तो इट्स अ गुड बाय विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम अमेज़न। यू कैन ऑल्सो बाय दिस। तो ये ऑफर में चल रहा था, तो आजकल बड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा है और उस फेस्टिव सीजन के चलते काफ़ी ज़्यादा सेल वगैरह चल रही है। और जैसे कि आपको पता है कि कल जन्माष्टमी भी है, सो आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन टू बी ऑनेस्ट। अब आप कहेंगे कि क्यों ये वो नहीं है, बस मेरी पर्सनल चॉइस है। सो मेरे घर में बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी मुझे इन चीज़ों के लिए। वी वर नेवर फोर्स्ड फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन। चॉइस कम्प्लीटली हमारी थी, हम उसको फॉलो करना चाहते या नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग वास्टिंग नहीं करती हूँ, राइट? बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं करती हूँ। आई बिलीव, मेरा पर्सनल मानना है कि ह्यूमैनिटी इज़ अ बिग थिंग, सो यू शुड टेक केयर ऑफ द ह्यूमन बींग, यू शुड बी काइंड एंड बेसिक कर्मा थिंग दैट आई फॉलो। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज स्टाफ वेयर यू गो। आई एम नॉट सेइंग दैट अदर शुड नॉट, इट्स कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। सो योर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू दैट फ्रीडम, जहाँ पे ये आपकी कम्प्लीटली आपकी कॉल होती है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो मेरे घर में वो फ्रीडम दी गई थी जहाँ पे आई चूज टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग। सो इवन रिलीजियस चॉइसिस वर ऑल्सो गिवेन कि मेरी मर्जी है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूँ। सो आई एम नॉट, बट आई फील द फेस्टिव वाइब्स। वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लगती है फेस्टिवल की। तो कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पे लोग बहुत सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, बट हाउ एवर आई वॉज फीलिंग फेस्टिव। तो अभी मैं कहीं सोच रही थी बाहर जाऊंगी शॉपिंग के लिए, नॉट फॉर शॉपिंग बट ऐसे ही घूमने जाऊंगी और कुछ देखती हूँ क्या फिगर आउट करती हूँ। तो फेस्टिव सीजन का मतलब ही होता है ना कि कुछ घूमने चले गए, कुछ खा लिया पी लिया। आई मीन यू डोंट नीड, आई पर्सनली बिलीव यू डोंट नीड अ स्पेशल ओकेजन टू डू ऑल दी स्टाफ, यू कैन डू इट ऑल द टाइम। आप हमेशा ये चीज़ कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है ज़िंदगी सिर्फ पर्टिकुलर दिन में नहीं जी जाती है, हर तरीके से हर टाइम पे जी जा सकती है। सो बट हाउ एवर आई वॉज फीलिंग फेस्टिव, आई गॉट अ न्यू, आई हैव अ न्यू कुर्ता रखा हुआ था, पता नहीं क्यों रखा हुआ था, पहन ही नहीं रही थी मैं इसको। सो आई डिसाइडेड टू वेयर इट टूडे। लाइक आई सेड, व्हेन आई गेट बोर्ड आई टेक आउट टाइम टू डू समथिंग टू फील बेटर, यू शुड फील बेटर एनी हाउ। सो हुआ क्या संडे को, मैंने किया क्या संडे के दिन, लाइक बेसिक रूटीन, अकेला इंसान क्या ही करेगा। तो बेसिक काम, कपड़े प्रेस आयरन करने हैं, खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है। टूडे आई हैड स्प्राउट्स और आज मैंने डम्बल्स भी उठाए। तो डम्बल्स मैंने उठाने क्यों शुरू किए थे, तो आई रिकॉल एन इंसिडेंट। तो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की थी। तो एक बार क्या हुआ था, गैस वाला सिलेंडर वाला गैस लेके आया था और वो शायद वो सिलेंडर नीचे ही छोड़ के चला गया था या कुछ ऐसे हुआ था और वो मुझे नीचे से ऊपर लाना था ना सिलेंडर, यू नो इट मस्ट बी अराउंड 8 kg के अराउंड होता है। तो मेरे से वो सिलेंडर उठ ही नहीं रहा था और मैं खड़े होकर सोचने लगी कि मुझसे उठ के ऊपर ये कैसे जाएगा, कौन मेरी हेल्प करने वाला है। सो बीइंग फीमेल, लोग कहते हैं बहुत इक्वालिटी की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिजिकली वी आर नॉट इक्वल इन टू मैन। वो गैस वाले भैया अगर उठा के रख जाते हैं, अगर वो मुझे टाइम पे मिलते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि रख दें, बट आप फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो मैंने कहा कि बट वॉट कैन बी दी वेज हाउ वन कैन बिकम फिजिकली स्ट्रांग, सो दैट्स हाउ आई लैंडेड अप डूइंग डम्बल, कैटल बेल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड आई फोकस ऑन माई प्रोटीन डाइट एज वेल। सो दैट्स हाउ आई गॉट इन टू दिस होल जर्नी ऑफ मेकिंग मसल। बनी है कि नहीं आई हैव नो आइडिया, बट आई फील गुड। आई ऑल्सो फील, अब मैं 8 kg का सिलेंडर
उठा लेती हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उस टाइम पे हुई थी। सो और आज डंबल उठाए हैं, तो आई डोंट नो, आप कभी देखते हैं, कभी आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो पूरी बॉडी एक कर रही होती है, तो मेरी हल्की फुल्की एक कर रही है, थोड़ा ज़्यादा कर रही है। सर इट्स अ नेचुरल पार्ट एंड पार्सल व्हेन यू आर लाइक, जब आप जो है ना ये सब चीज़ें शुरू करते हो तो बॉडी रिएक्ट्स, शुरू नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बीच में छूट छूट जाता है, अब आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा तो आप कहाँ ही कर पाओगे ये सब चीज़ें, बट एनी हाउ आई हैव पिक्ड इट टुडे, और मेरी बॉडी जो एक कर रही है, ये हाथ यहाँ से लग रहा है चला गया, ये वाला भी चला गया लग रहा है, बट एनी हाउ ये करते रहना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ही होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ कितनी मेजर कर सकते हो फिजिकली। मैं ट्राई करती रहती हूँ, मैं नहीं कह रही कि मुझे कॉम्पीट करना है मेल स्पीशीज से, व्हेन इट कम टू द फिजिकल स्ट्रेंथ दे हैव दैट कैपेसिटी, एज फीमेल आई डोंट हैव दैट फिजिकल स्ट्रेंथ। ऑन मेंटल लेवल ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज कॉम्पीट, बट हाउ एवर द फिजिकल लेवल आई रियलाइज आई कैन नॉट। वो जो भैया आते हैं वो 8 kg का सिलेंडर उठा सकते हैं, बट मेरे से उस टाइम पे नहीं हो पाया था, बट अभी मैं मैनेज कर लेती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, बट मैं उस लेवल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती कि प्रॉपर एकदम ही स्ट्रांग बन जाओ, लिमिटेशन तो होती है। तो वो चीज़ है, और बस आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा रेडी हो गई थी, थोड़ी वाइब शाइब ला रही थी फेस्टिवल की, कैसा लग रहा है। आई विल शो यू ऑल्सो द ड्रेस, हाउ इज इट लुकिंग इफ आई कैन शो यू। सो दिस इज हाउ द होल लुक लुक्स लाइक, सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, इट्स गिविंग मी अ नाइस फेस्टिवल वाइब। सो फेस्टिवल में आप बताइए आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं है और इन दी मोमेंट में रहने वाले पर्सन है, और आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे जिंदगी जीते हैं, तो आप बताइएगा आप खुश होने के लिए क्या करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग, डू इन्जॉय योर छुट्टी, आई हैव अ छुट्टी टुमारो ऑल्सो, मंडे इज जन्माष्टमी और इसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ, तो आज मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ अपने लिए, कुछ इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने आज स्प्राउट्स खाए, मुझे इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है। आपके साथ भी होता है क्या, स्प्राउट्स अगर खाओ तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मुझे इतना ड्राई कर दिया है, पानी पी जा रही हूँ मैं सुबह से, कितना पानी पी गई मैं, और मैं सोच रही थी इतना पानी तो मैं किसी भी दिन नहीं पीती, पता नहीं क्यों स्प्राउट्स मुझे इतना ड्राई करा। बट एनी हाउ आपको भी स्प्राउट्स खाने चाहिए और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी रहनी चाहिए, थोड़ी अपनी लिमिट्स टेस्ट करती रहनी चाहिए। फेस्टिवल हुआ तो क्या अच्छा फील करना चाहिए, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करती रहेंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम अपराजिता फॉर टुडेज व्लॉग, hope you liked it, thank you so very much for watching Aparajita Tales, do like, comment and subscribe to my channel Aparajita Tales.